जबरी और आपका आज YouTube स्वागत और आज वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है टॉप 10 रीजन 2023 वाज इंडियास कमबैक ईयर अभी एंड न्यू ओके तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि वो कौन सी रीजंस हैं लेकिन इससे पहले इस वीडियो में चैनल ओरिजिनल आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें फॉलो करें इनके चैनल को उसके अलावा मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक उस पर लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें फॉलो करें चलिए देख लेते हैं ये वीडियो भारत हमारा भारत जिसके लिए 2023 आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट साल रहा है एक के बाद एक साल गुजरता जाता टाइम आगे बढ़ता है हम न्यूज में तो सुनते हैं कि तरक्की हो रही है लेकिन कहाँ प्रोग्रेस कहाँ है बदलता हुआ भारत कहाँ है अब 2023 खत्म होने को है और मुझे आपको वो बातें याद दिलानी है जिसने इस साल को भारत के लिए खास बनाया जिसने हमारे इस देश को 1% ही क्यों ना हो बेहतर बनाया अलग अलग सेक्टर्स में जैसे स्पोर्ट्स साइंस जियोपॉलिटिक्स में भारत ने इस साल क्या हासिल किया ये हम सब के लिए समझना काफी इम्पोर्टेंट है चलिए देखते हैं टॉप 10 अचीवमेंट्स ऑफ भारत इन 2023 आपको इनमें से कौन सी अचीवमेंट भारत की सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती है हमें कमेंट्स में बताइए बहुत सारी चीजें कवर करनी है और टाइम बहुत लिमिटेड है सो लेट्स गो नंबर 10 स्पोर्ट्स जब भी भारत में स्पोर्ट्स की बात होती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही याद आता है लेकिन इस वीडियो में क्रिकेट की नहीं दूसरे स्पोर्ट्स की बात करेंगे जैसे चेस इस साल हमारे चेस प्रोडिजी प्रज्ञानंदा ने पूरे देश का सिर शान से ऊंचा किया है 18 साल के इस लड़के ने दुनिया के बेस्ट चेस प्लेयर्स को कांटे की टक्कर दी और चेस वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक पहुंचा। वी वर होपिंग कि वो फाइनल्स भी जीत जाए बट टफ लक हॉकी में विमेन्स टीम ने हमें हमारी चक दे इंडिया मूवमेंट गिफ्ट की स्पेन में FIH नेशंस कप जीत कर हैंगजू में हुए इस साल के एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा के गोल्ड के बारे में आपको पता ही होगा लेकिन साथ ही साथ इस साल का हमारा एशियन गेम्स का परफॉर्मेंस आज तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है विथ 107 मेडल्स इंक्लूडिंग 28 गोल्ड और यहाँ हम हमारे पैरा एथलीट्स को कैसे भूल सकते हैं हमारे पैरा एथलीट्स ने 29 गोल्ड मेडल्स लाए और इन टोटल 111 मेडल्स शीतल देवी एक ही एशियन गेम के सीजन में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन बनी उन्होंने एशियन गेम्स में टोटल 3 मेडल्स जीते ये दुनिया की पहली और इकलौती पैरा आर्चरी चैंपियन है जिन्हें हाथ नहीं है वो अपने पैरों से तीर चलाती हैं। उन्हें इस साल बेस्ट यूथ एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला उन्होंने ये प्रूव किया कि हम किसी से कम नहीं स्पेशल ओलंपिक्स में भी भारत ने कमाल किया बैडमिंटन आर्चरी फुटबॉल हर स्पोर्ट में भारत जी जान से खेल रहा है आगे बढ़ रहा है ये देखकर गर्व महसूस होता है नंबर 9 इज इंडियाज ऑस्कर विन जब जीतने की बात आती है तो हमारी फिल्में पीछे कैसे छूट सकती हैं? डिड यू नो दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में हॉलीवुड में नहीं भारत में बनती हैं। ये साल भारत की फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री के लिए काफी स्पेशल था 1983 में भानु अथैया ने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए पहला ऑस्कर जीता 1992 में इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत रे को अकेडमी ने नवाजा फिर सीधे 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए AR रहमान गुलजार और रसूल पुकटी ने ऑस्कर भारत लाया लेकिन इस साल पहली बार इंडियन प्रोडक्शंस ने ऑस्कर जीता द एलिफेंट विस्परर्स के लिए गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस और RRR का नाटू नाटू गाना ऑस्कर का ये प्रेस्टीजियस अवार्ड जीत ही गया साथ ही साथ ऑल दैट ब्रीथ्स नामक एक और डॉक्यूमेंट्री भी ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेटेड थी विच मेक्स दिस ईयर बेस्ट फॉर इंडियन फिल्म्स नंबर 8 इंडिया इलेक्ट्रिफाइड इस साल की शुरुआत एक गुड न्यूज से हुई थी 5.9 मिलियन टन लिथियम भारत के जम्मू और कश्मीर रीजन में पाया गया लिथियम से EVs की बैटरीज बनती हैं और ये रिजर्व्स भारत की 80% डिमांड मीट कर सकते हैं आज भारत पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करता है और इसके लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है EVs या सोलर पैनल्स की बात करें तो चाइना से हम मीलों पीछे हैं ऐसी सिचुएशन में इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम रिजर्व्स मिलना नेचर का वरदान है इस पावर को अगर हम हार्नेस कर पाए तो भारत की 80% एनर्जी नीड्स फुलफिल हो सकती हैं। हमें हमारी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए या तो गल्फ देशों पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर चाइना पर या फिर कोल जलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ती है विच इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट लिथियम की वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं ऑफ कोर्स अगर हम ये पावर को हार्नेस कर पाए तो नंबर 7 वर्ल्ड इज अ फैमिली भारत ने बार बार कहा है कि दुनिया हमें एक मार्केट की तरह देखती है और हम दुनिया को एक परिवार की तरह इस बात को हमने प्रूव किया टर्की में इस साल भयंकर भूकंप आए 30,000 से ज्यादा शॉकवेव्स ने शहरों को तहस महस कर दिया 14 मिलियन लोगों की जिंदगियां उजड़ गई और 59,000 से ज्यादा लोगों की जानें भी गई
ऐसी सिचुएशन में भारत ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया। NDRF और इंडियन आर्मी ने टर्की के रिलीफ ऑपरेशंस में मदद की। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ टर्की पहुंचने वाली भारत की रेस्क्यू टीम दुनिया की पहली रेस्क्यू टीम बनी। इसी के साथ साथ हमने गाजा में भी बार बार रिलीफ एड भेजा। टर्की के साथ भारत के रिलेशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड। गाजा पर अटैक करने वाले इसराइल को भारत अपना दोस्त मानता, फिर भी भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। इंटरनेशनल लेवल पर ये चीजें मायने रखती हैं, क्योंकि जहां दूसरे देश हमेशा पॉलिटिकल डिफरेंसेस को याद रखते हैं, भारत ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखता है। दूसरे देश हमसे कैसे भी पेश आए, जब मदद की जरूरत पड़े तो भारत हाथ आगे बढ़ाता है। ये बात इससे हाईलाइट हुई। नंबर 6 इज डिफेंस। इस साल भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पर थे एट 15,920 करोड़ रुपीज। दैट इज 3,000 करोड़ रुपीज मोर देन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। 2017 के डिफेंस एक्सपोर्ट से कंपेयर करें तो ये नंबर 10 गुना बड़ा है। हम अलग अलग देशों को ब्राह्मोस मिसाइल्स, पिनाका रॉकेट्स और लॉन्चर्स, रेडार्स और आर्मर्ड व्हीकल्स एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया भर में भारत ने बनाए हुए तेजस एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स की डिमांड बढ़ रही है। ये गर्व की बात। साथ ही साथ हमें ये समझने की जरूरत है कि इतना सब होने के बावजूद हम दुनिया के टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में नहीं है, लेकिन हाँ, दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इम्पोर्टर जरूर। यानी हम आत्मनिर्भर जरूर बन रहे हैं, लेकिन हमें स्पीड पकड़ने की जरूरत है, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इन चैलेंजेस से जूझ कर वो हमें कैसे सुरक्षित रखते हैं, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 5, UNLF सरेंडर। साल मणिपुर काफी दुखद रीजंस के लिए चर्चा में रहा। हमने हमारे मणिपुर के भाई बहनों की व्यथा आपके सामने लाने के लिए दो वीडियोस भी बनाए, जिसमें हमने सरकार से कुछ वैलिड सवाल पूछे। बट ऑन दी अदर हैंड, मणिपुर से एक और अच्छी खबर भी आई। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने हथियार त्याग दिए। ये एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो पिछले 60 सालों से भारत से लड़ रहा था और मणिपुर को भारत से तोड़ना चाहता था, लेकिन उन्होंने अब भारत के साथ एक पीस अग्रीमेंट साइन किया है, जिससे नॉर्थ ईस्ट में पीस की संभावना बढ़ी है। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये सारी बातें जो मिस्टेक्स हुई उन्हें छुपाने के लिए नहीं है, लेकिन साल के एंड में कुछ पॉजिटिव याद रखने के लिए, मन में आशा जगाने के लिए। नंबर 4, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों की इकोनॉमी कोविड के बाद ट्रैक पर आने का नाम ही नहीं ले रही। IMF ने 2023 में प्रेडिक्ट किया था कि जर्मनी 1.8% से ग्रो करेगा, अमेरिका 2.1% से और फ्रांस 2.5% से। चाइना जैसा देश भी 3% से ही ग्रो कर पाएगा, लेकिन उन्होंने भारत को एज एन इकोनॉमिक ब्राइट स्पॉट अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि भारत 7.2% से ग्रो करेगा और हुआ कुछ ऐसा ही। इनफैक्ट एक्चुअल रिजल्ट प्रेडिक्शन से भी बेहतर था। भारत ने इस साल 7.8% ग्रोथ का आंकड़ा क्रॉस किया है, विच इज अ ह्यूज माइलस्टोन फॉर अस। 2024 में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। IMF कहता है कि जहां दुनिया के मेजर इकोनॉमीज 1 या 2% से ग्रो करेंगे, भारत पूरे 6.3% से ग्रो करेगा। इसके मेन रीजंस में से एक है कि ज्यादातर लोग UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस साल अक्टूबर के महीने में हमने 17 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस का आंकड़ा क्रॉस किया। यही सिलसिला चलता रहा तो 2026 आते आते हम 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर डे क्रॉस कर सकेंगे। NPCI का टारगेट है कि 100 बिलियन के मंथली ट्रांजैक्शंस हमें आने वाले कुछ सालों में क्रॉस करने। हमारे देश के टॉप 3 अचीवमेंट्स देखने से पहले खुद को रिमाइंड करते हैं कि इतने सारे अचीवमेंट्स देख के हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है। हम सबको, आम आदमी के साथ साथ हर लीडर, हर IAS ऑफिसर को सर नीचे रख के काम करने की जरूरत है, ताकि अगला साल और भी बेहतर हो। हमें मीडियोकर यानी साधारण नहीं बनना है, हमें कुछ असाधारण करके दिखाना है। अगर आप 2024 में अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, तो हमारा 365 ग्रोथ चैलेंज लीजिए। ये आप ही के लिए बना है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में आप उसकी जानकारी पा सकते हैं, जिसमें सिर्फ 1 रुपए में हम आपको हर दिन प्रोडक्टिव बनने के सीक्रेट्स बताएंगे, हर दिन कुछ नया सिखाएंगे और एक कम्युनिटी का हिस्सा बनाएंगे जो आपको आपके गोल्स अचीव करने के लिए पुश करे। ऑल ऑफ दिस इन जस्ट 1 रुपी अ डे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपका अगला साल आपके लिए सबसे प्रोडक्टिव साल हो सकता है, अगर आपने ये चैलेंज लिया तो। रुपी की बात हो ही रही है तो लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन रुपी गोइंग इंटरनेशनल। नंबर 3 पर है हमारे इंडियन रुपी की इंटरनेशनल जर्नी। दो देशों के बीच में अगर ट्रेड को सेटल करना है तो उन्हें ये ट्रांजैक्शन डॉलर्स में करना पड़ता है, जिससे डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है और अमेरिका का डोमिनेंस भी। ऐसा क्यों? भारत ने ब्रिक्स के साथ यही सवाल दुनिया को पूछा।
और भारत पिछले कुछ सालों से रूपी को इंटरनेशनल बनाने की कोशिश कर रहा है। इस साल न्यूज आई कि इंडियंस पेरिस के आईफिल टावर में पेमेंट यूपीआई से भी कर पाएंगे। इसके बारे में हमने एक पूरा वीडियो भी बनाया है। साथ ही साथ भारत और यूएई बायलैटरल ट्रेड लोकल करेंसीज में सेटल करने की बात कर रहे हैं। हमने यूएई के साथ जुलाई के महीने में एक अग्रीमेंट साइन की जिससे हम सेटलमेंट्स रूपी में कर पाएंगे। आरबीआई 18 देशों के 60 बैंक्स के साथ कॉन्वर्सेशंस लीड कर रहा है जिससे ट्रेड सेटलमेंट्स एक स्पेशल अकाउंट के साथ रूपी में हो पाएगी। डॉलर को कैसे यूज करना है ये पूरी तरह अमेरिका के फेड के हाथों में होता है। अगर अमेरिका चाहे तो सैंक्शंस के जरिए किसी भी देश पर अपना डोमिनेंस जता सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद पूरी दुनिया इस थ्रेट से अलर्ट हो चुकी है और भारत इसीलिए रूपी को इंटरनेशनल बनाना चाहता है ताकि कोई दूसरा देश हमें प्रेशराइज नहीं कर पाए, हमारे इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी ना कर पाए। भारत की ग्रोथ स्टोरी में हमारी NRI कम्युनिटी का भी हाथ है। इस साल फॉरेन रेमिटेंसेस 26% से बढ़े टू अबाउट 112 बिलियन US डॉलर्स। यानी इतना सारा पैसा दूसरे देशों से भारत आया। भारत पिछले कई सालों से फॉरेन रेमिटेंसेस रिसीव करने में टॉप करता है जिससे प्रेशियस फॉरेक्स रिजर्व्स हमारी तिजोरी में आते हैं, देश की इकोनॉमी को रोबस्ट बनाते हैं। तो इसी बहाने आपके किसी NRI दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। उसे कहिए कि बॉस अभी तो मेरा उधार चुका दे। नंबर 2 है हमारा फेवरेट टॉपिक स्पेस, चंद्रयान 3 लैंडिंग। जब चंद्रयान 2 का लैंडर 2019 में लैंड नहीं कर पाया तो मैं बहुत मायूस हुआ था, लेकिन वो दी एंड नहीं था, पिक्चर अभी बाकी थी। और इस पिक्चर का हैप्पी एंडिंग 2023 में हुआ। चंद्रयान 3 मिशन ने सिर्फ 615 करोड़ में वो अचीव कर दिया जो बड़े बड़े देश भी अचीव नहीं कर सकते, मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग। हमसे पहले ये अचीवमेंट सिर्फ 3 देश यानी अमेरिका, रशिया और चाइना ने ही करके दिखाया है। रशिया ने 25 साल बाद लूना के साथ वापस ट्राई किया तो वो फेल हो गए। इससे ये प्रूव होता है कि ये मिशन कितना टफ होता है। लेकिन फिर भी हम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले चौथे देश बने। और इस बात की वजह से जो इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हम पर जोक मारा करते थे वो भी हमारी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। इस अचीवमेंट के कुछ ही हफ्तों बाद हमने आदित्य L1 भी लॉन्च किया। इन दोनों मिशंस के डिटेल्स आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। दिसंबर के महीने में इसरो ने एक और माइलस्टोन अचीव किया। चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल को उन्होंने लूनर ऑर्बिट से अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस किया, उसका एक बोनस मिशन स्टार्ट किया। उन्होंने सोचा हे थोड़ा फ्यूल बचा है तो इस बचे हुए फ्यूल में हम अर्थ के बारे में थोड़ी रिसर्च कर ही लेते हैं। इसरो ऑलरेडी दुनिया की सबसे एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है और हर दिन इसरो कुछ ऐसा कर दिखाती है जिससे हमारी शान में 4 चांद लग जाते हैं। नंबर 1 और हमारी 2023 साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट है G20 सक्सेस। पिछले साल जब दिसंबर के महीने में हमारे हाथ G20 की प्रेसिडेंसी आई थी तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारत इस जिम्मेदारी को इस प्रकार संभाल पाएगा। G20 प्रेसिडेंसी कोई अचीवमेंट नहीं है दोस्तों, ये रोटेशन से हर देश को मिलती है। हमसे पहले इंडोनेशिया और हमारे बाद ब्राजील इसका प्रेसिडेंट होगा। लेकिन इस साल G20 पीपल्स G20 बना, जहां यूजुअली G20 के मीटिंग सिर्फ कुछ ही बड़े शहरों में होती हैं, कैपिटल सिटीज में होती हैं। भारत के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में G20 के मीटिंग्स हुई। इसका मतलब है जम्मू एंड कश्मीर में भी। श्रीनगर में TWG मीटिंग के साथ भारत ने जम्मू और कश्मीर को एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन दुनिया के सामने लाया। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल डेलीगेट्स को यहाँ पर लाकर ये प्रूव भी किया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 370 को हटाने के डिसीजन को कानूनी माना और कहा कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन थी जो हटाना भारत के लिए जरूरी था। यानी हम हमारे बॉर्डर्स के इंटेग्रिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली भी और लीगली भी। इस साल न्यू दिल्ली रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की डील मंजूर हुई और भारत ने G20 को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल करके। अब G20 G21 बन जाएगा क्योंकि 1.3 बिलियन के पॉपुलेशन का अफ्रीकन यूनियन भी इसका हिस्सा होगा। ये भारत के लिए एक बड़ी विक्ट्री है क्योंकि हमने अफ्रीका को भी इस ग्रुप में इंक्लूड करके इसे दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप बनाया। G20 की मीटिंग्स और बेहतर हो सकती थी, हमसे काफी मिस्टेक्स हुई जिनसे सीखना इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये समझना भी इम्पोर्टेंट है कि प्रोग्रेस ऐसे ही होती है, प्रोग्रेस इम्परफेक्ट ही होती है, प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप ही होती है। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि प्रोग्रेस
होती। अक्सर न्यूज में हमें सिर्फ वही इवेंट्स देखने मिलते हैं जो नेगेटिव हैं, जो भारत की कमियां, हमारी खामियां हमें हाईलाइट करके दिखाते हैं। लेकिन साल के एंड में उन बातों पर भी फोकस करना इम्पोर्टेंट है जिनमें इम्प्रूवमेंट्स हुई है। आपको क्या लगता है कि ऐसा ही वीडियो हमें हर साल के एंड में बनाना चाहिए, और ऐसी कौन सी अचीवमेंट्स है जो हमने मिस कर दी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। क्योंकि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है, और परफेक्ट बनाने के लिए हर कदम को परखना पड़ता है, और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुँचाने से मुझे परखना पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले साल हम आपके लिए दो स्पेशल चैलेंजेस लॉन्च कर रहे हैं, ग्रोथ 365 चैलेंज और कंटेंट जीनियस डेली चैलेंज, जिससे सिर्फ ₹1 पर डे में हम आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करेंगे, फिर वो आपके पर्सनल गोल्स हो या फिर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो। इन दोनों चैलेंजेस की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जान सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। भाई, आज की वीडियो जो है ना, वो मुझे इस लिहाज से बहुत जो है वो अच्छी लगी, क्योंकि इस साल में होने वाली जो अचीवमेंट, जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आप कह लें इंडिया की हैं, उनके बारे में बताया गया। खास तौर पर मैं स्पोर्ट्स को लेकर जो है ना सबसे पहले बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये हकीकत है कि हम अगर साउथ एशिया में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है हम क्रिकेट को ही देते हैं, एक बहुत फेमस खेल यहाँ पर समझा जाता है। लेकिन हाँ, कोरोना पीरियड के बाद से लेकर अब तक इंडिया की तरफ से जिस तरह बाकी खेलों को जो है एक इम्पोर्टेंस दी गई है, प्लेयर्स को, एथलीट्स को जो इम्पोर्टेंस दी गई है, उसने मैं कहूँगा खाली इंडिया में नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का जो एक रीजन है ना, वहाँ पे स्पोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बदल दिया है। मैं बिल्कुल मौजम की इस बात से अग्री करूँगी। इनफैक्ट मैं ये बात बोलूँगी, इंडिया ट्रेंड सेट करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम देख लें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड देख लें, इवन के पिछले दिनों में मौज़म को कह रही थी कि अगर कोई सॉन्ग हिट नहीं है या लोग उसके बारे में नहीं जानते और वो आपको बॉलीवुड की किसी मूवी में सुनने को मिल जाए, तो उसके बाद वो पूरी दुनिया में आपको सुनने को मिलता है। इसका रीसेंट अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेरा हाल में एनिमल मूवी का एग्जैक्टली, वरना पहले किसी को भी उस सॉन्ग के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन मुझे लगता है एक और अचीवमेंट थी कि जब वर्ल्ड कप हुआ इस मरतबा इंडिया में, तो विराट कोहली की 50 सेंचुरीज जो हैं वो भी कम्प्लीट हुई वनडे की, तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है स्पोर्ट्स में। और बाकी जितने भी स्पोर्ट्स को लेकर हम बोलेंगे, मतलब डिफरेंट जो गेम्स जितने प्लेयर्स खेलते हैं और वो उसमें गोल्ड मेडल्स लेकर आए और एक मतलब अपना नाम बनाया, ये अपने आप में वाकई में बहुत बड़ी बात थी। स्पेशली जो आर्चरी को लेकर मैं कहूँगी, मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना एक इंस्पिरेशन बनते हैं ऐसे एथलीट्स, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोगों के लिए ना एक्सक्यूज़ रहते हैं चीज़ें ना करने के लिए, लेकिन जब हम देखते हैं और हम कहते हैं कि हम एक्सक्यूज़ देते हैं और हमारे सामने जो व्यक्ति है वो इतना मोटिवेटेड है अपनी लाइफ में, तो वो वाकई में बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है। बिल्कुल, ये हकीकत है। फिर उसके बाद जो है, जो ऑस्कर की यहाँ पे पहले बात करना चाहूँगा, नो डाउट इंडिया ने पिछले साल जो है ना ऑस्कर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने नाम जो है वो किए हैं, खासकर म्यूजिक को अगर लेकर बात की जाए, नाटो नाटो जो है उसने तो मतलब धूम ही मचा दी थी ना। उसने खाली एक नहीं, उस मूवी ने दो अवार्ड्स मेरे ख्याल है उसके अलावा भी, ऑस्कर के अलावा भी जो है अवार्ड जो है जीता था बेस्ट म्यूजिक के लिए। और इवन के मैं कहूंगी कि ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि हमें अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब थिएटर्स में ही देखने को मिला इसका क्रेज, हम डिफरेंट जो कंट्रीज के एम्बेसडर्स हैं उनको भी देखा हम लोगों ने, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखा। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना में ना इंडियन सिनेमा ने वाकई में लोगों को ना आप कह लो कि एक ऐसा फ्लेवर दिया है कि जो कि कोरोना के टाइम पीरियड को किल करने के लिए लोगों का बहुत काम आया। अगर हम लोग वो भी बात करें, पुष्पा की भी इनफैक्ट अगर हम बात करें वो भी बहुत झुकने का नहीं, मतलब वो सारी चीजें भी, यानी कि अगर देखा जाए ना, अब आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करें जिसमें आप जो है नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जितनी भी इंडस्ट्री आती है, तो मेरा ख्याल है कि जो है ना इंटरनेशनल लेवल के साथ साथ रीजनल लेवल
पे भी जो है ना मूवीज़ ने बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है। और पाकिस्तान के खास तौर पर बात की तो पाकिस्तान में जो है ना एंटरटेनमेंट के नाम पे आपके पास मेजोरिटी इंडियन मूवीज़ ही जो है, क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं आप देख नहीं पाते, तो भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म और जब क्या नाम लेते आती हैं तो लोग जो है उन्हें देखते हैं। बिल्कुल, अभी रिसेंटली बल्कि हमने OMG देखी है, बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल, फिर उसके बाद जो है हम लिथियम की बात करें तो नो डाउट दुनिया जो है इस टाइम जो है ट्रांसफर हो रही है भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ, और बहुत सारे मुल्क जो हैं वो ऐसे हैं कि भाई वो अपनी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो इस साइड पे जो है वो ट्रांसफ़र कर चुकी है। बेशक इलेक्ट्रिक बसेस की बात करें, इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें, स्कूटीज़ की बात करें, तो उस साइड पर जो है वो जा चुके हैं, 80-70% जो है वो अपने आप को शिफ्ट कर चुके हुए हैं। बट मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि इंडिया टाइम रहते हुए ऐसे स्टेप्स लेता है कि वो आने वाले टाइम में उसको सपोर्ट करें ना, क्योंकि ना एकदम से बर्डन कर दे कि भाई अब ये प्रॉब्लम हो रही है तो अब हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, तो वो एक दूरंदेशी जो है वो उनमें नज़र आती है, उनकी लीडरशिप में ये चीज़ नज़र आती है कि किस तरीके से चीज़ों को हम लोगों को टाइम रहते हुए करना है। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी इसलिए भी लगती है कि जो लीडर्स हैं, जैसे कि अगर हम लिथियम को ले एथेनॉल को लेकर बात करें, तो हमें नितिन गडकरी जी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड जो है वो नज़र आए थे, और उन्होंने बहुत टाइम पहले से ये चीज़ जो है वो स्टार्ट कर दी। बिल्कुल, अगर देखा जाए उन्होंने खुद टोयोटा की कार थी जो एथेनॉल पर चलती थी, उस पर डेमो भी दिया था। फिर उसके बाद जो है ना भाई, कल 2-3 दिन पहले की बात है, मैं एक मॉर्निंग शो मॉर्निंग में, वो मेरा ख्याल शायद रिपीट टेलीकास्ट जो है उसका लगा हुआ था शो का एक, उसमें जो है वो बंदा जो है ना इंडिया और पाकिस्तान का ना एक एंकर कंपैरिजन कर रहे थे, तो उनके साथ जो बैठे हुए थे वो कहते हैं आप गलत कंपैरिजन कर रहे हैं, आज के टाइम में आप पाकिस्तान का अफ्रीका के साथ कंपैरिजन करें, क्योंकि इंडिया के साथ आपका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं, क्योंकि इंडिया जो है टेक्नोलॉजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन सिस्टम हो, या आप जो भी आज के टाइम में जो है इकोनॉमी के शेप बहुत आगे जा चुका हुआ है। बिल्कुल, सर्विसेज सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया बहुत टाइम से आपको इसमें अपनी सर्विसेज दे रहा है। वैसे मैं ये चीज़ मानूंगी बिल्कुल कि पाकिस्तान में ना अभी भी कुछ लोगों का ना माइंडसेट ऐसा है कि वो इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, हालांकि इंडिया के साथ वाकई में कंपेयर करना बनता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका हुआ है। हाँ, अच्छी बात ये है कि अब बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज को मानना भी शुरू हो गए हैं, और बिल्कुल, क्योंकि गलती सबसे पहले मानना बहुत जरूरी होती है, उसके बाद ही आप बेहतरी वाली साइड पर जाते हो। तो जब लोगों में ये चीज आएगी कि वो मानेंगे कि भाई हाँ हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं, उसके बाद ही शायद कोई चेंज जो है वो आपको देखता मतलब नजर आए, अदरवाइज यहाँ पर जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग तो आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा चेंज आपको नजर आने वाला है। लेकिन आप ये जरूर मानोगे कि जो एक पढ़ा लिखा तबका है वो ऐसा ऐसा कन्विंस होता जा रहा है इस चीज पर कि इंडिया जो है वो इस रेस में बहुत आगे चला भाई। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो अब पाकिस्तान में आ गए, क्योंकि इंडिया में पॉडकास्ट सिस्टम देखा जाए तो आपको एक टाइम हो गया, एक टेन्योर हो गया अब देखते हुए कि भाई इंडिया में पॉडकास्ट का कल्चर जो है वो काफी आपको जो है हाई लेवल पर देखने को मिला। लेकिन ऑन द अदर साइड पाकिस्तान में जो है ना अभी ये स्टार्ट होना चाहिए, वो शुरू हुआ है, तो मैंने एक दो पॉडकास्ट देखे हैं और लिटरली मैं कहता हूँ कि लोग है ना आके एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ भाई इंडिया बहुत आगे जा चुका है। क्योंकि रुपये की बात कीजिए तो मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें जो है वो बता रहे थे, जो उसमें एक पर्सन आए हुए थे कि भाई उन्होंने जो है ना रुपये के इंटरनेशनल के बारे में सुना, तो उन्होंने बकायदा उस पर रिसर्च की, तो उन्हें जो है ना फिर कहीं जाकर हुआ कि हाँ भाई इंडिया जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड रुपये में करेगा। उसके साथ कहते कि मैंने किसी से सुना था कि भाई इंडिया में पूरे IT हब्स जो है बने हुए हैं, तो कहते उसके बाद मैंने रिसर्च किया तो पाकिस्तान का मैंने देखा तो उसमें सिर्फ आपको लाहौर में आरफा क्रीम टावर देखने को मिलता है, उसके अलावा आपको कोई ऐसा सिटी देखने को नहीं मिलता जैसे आपको इंडिया में गुरुग्राम देखने को मिलता है, बेंगलुरु में जो है आपको देखने को मिलता है, इस तरह पाकिस्तान में नहीं आपको देखने को मिलते। बिल्कुल, मैं इस चीज़ से अग्री करूंगी, बट ये है कि ना ये कुछ लोग हैं जो कि आप कह लो कि दुनिया जो है वो देखते हैं, या फिर आप कह लो कि वो पढ़ते हैं चीज़ों के बारे में तो उनको आइडिया होता है, बट मेजॉरिटी की अगर बात करूँ तो वो तो सोई हुई है, सो उनको जगाने में बहुत टाइम लगेगा मुझे लगता है। और फिर उसके बाद मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी आज की वीडियो में कि अगर हम लोग इंडियन सोसाइटी की बात करें ना, तो इंडियन सोसाइटी सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों पर फोकस नहीं करती, वो उसके साथ साथ किस किस तरीके से इम्प्रूवमेंट की जा सकती है उन पर भी वो डिबेट करती है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मुझे ये चीज़ अक्सर नज़र आती है हम लोगों में कि हम लोग जब कुछ अच्छा हो जाता है ना तो हम सिर्फ उसी के बारे में बात करते हैं, और जो बाकी की प्रॉब्लम्स हैं हम उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो डिफरेंट लीडर्स, जो पोलिटिकल लीडर्स हैं वो भी उठाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर टाइम
अटेंटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जैसे हम लोग सोशल मीडिया का टाइम देखते हैं और आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन एक सेकेंड में जो है वो मिल जाती है, कोई भी चीज़ होती है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, बिल्कुल हम लोग चंद्रयान 3 को नहीं भूल सकते, क्योंकि उसकी एक्साइटमेंट आपको इस मरतबा पूरी दुनिया में देखने को मिली। इनफैक्ट पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने देखा, अनएक्सपेक्टेड थी। मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे उस समय मैं देख रहा था, बहुत सारे इंडियंस जो है उनके कमेंट्स थे, वो कहते हैं ये अनएक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान की तरह इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। बिल्कुल। और मैं ये भी साथ में कहूंगी कि G20 को G21 भी जिस तरीके से बनाया गया, उसमें भी आपको नजर आता है कि जियोपॉलिटिकली इंडिया की क्या इमेज बन चुकी हुई है या उसकी क्या पावर हो चुकी हुई है। तो हम इन चीजों को टोटली भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पॉइंट तक आने के लिए डेफिनेटली आपको बहुत सारे लोगों का जो है वो रोल नजर आता है। अगेन मैं बात करूंगी कि ये सिर्फ एक इंसान की मेहनत नहीं होती, इसमें पूरी जो आप कह लो कि कंट्री के लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा जो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में नजर आ रहा है, जियोपॉलिटिकली इंडियन की जो एक आपको पावर नजर आती है, उन सब चीजों का बड़ा अहम रोल है। बाकी आप जरूर बताइएगा अचीवमेंट्स को लेकर के, कौन सी अचीवमेंट आपके नजदीक जो मिस हो गई है और इसका जिक्र नहीं किया गया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये एक बहुत ही मुझे लगता है कि आप प्राउड मोमेंट होता है कि आपकी कंट्री जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है और डे बाय डे आपको उसकी अचीवमेंट में इजाफा होता हुआ नजर आता है। और इसी के साथ मुझे आज मेरे वीडियो चैनल करें।